नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश को बड़ी सौगात देने पहुंचे। पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने साल 2019 में इस एयरपोर्ट की नींव रखी थी, जो 645 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को एयरपोर्ट के रूप में नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने अरुणाचल का पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और बधाई दी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर होलोंग स्थित ये हवाई अड्डा इस सीमावर्ती राज्य को वाणिज्य उड़ानों के जरिए देश के अन्य शहरों के साथ और अरुणाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों को हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से जोड़ेगा। बता दें कि हवाई अड्डे की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। ये एयरपोर्ट 640 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसके अलावा उन्होंने ईटानगर में 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि जनता जानती है कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आए हैं, जहां जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करते हैं। हमारा काम अटकाना, लटकाना, भटकाना नहीं है। इसका युग चला गया है। किरण रिजिजू भी इस हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हमारा सपना था हमारे प्रदेश की राजधानी में एयरपोर्ट बने और पीएम मोदी के प्रयास से वह सपना साकार हो रहा है। उन्होंने इस निर्माण के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।